सो ये व्हाट्सअप पे स्वागत सभी का न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं डिटेक्ट लेबल्स फेस एंड लैंडमार्क्स इन इमेज विद क्लाउड विजन एपीआई का। तो यहाँ से जो है मैं पासवर्ड को कॉपी करूंगा एंड कॉन्सोल को जो है मैं इनकॉग्निटो में ओपन कर लूंगा। उसके बाद जो है यूजर नेम लिखा गया एंटर प्रेस कर देना, देन पासवर्ड पेस्ट करना, एंटर दबा देना, उसके बाद आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर देना, देन इसके जो है ओपन हो जाने देना। तब तक आप क्या करना, बैक आना। बैक आने के बाद सीधे टास्क वन पे क्लिक करना। हमें एक एपीआई क्रिएट करनी है क्रेडेंशियल्स में जाके, तो मैं बता देता हूँ, एंड उसे सेव करके रखना है, ठीक है। सो इसके लिए आपको क्या काम करना है, तो इसके लिए सबसे पहले जो है नोटपैड को ओपन कर लो। ये मैंने नोटपैड ओपन कर लिया है अपने, इसमें मैं बाकी रिमेनिंग फाइल्स जो है वो बंद कर देता हूँ। एंड या जस्ट अ सेकेंड, ये मैंने कर लिया एंड ठीक है। अब हम चलते हैं वापस से अपनी कॉन्सोल के पास। सो कॉन्सोल के पास मैं आ चुका हूँ। इधर एग्री एंड कंटिन्यू करने का बोलेगा, तो वो आप कर देना। ये मैंने एग्री एंड कंटिन्यू कर दिया है। देन इधर जो है आपको एपीआई सर्विसेज दिख रही, ना दिखे तो इन तीन लाइनों पर क्लिक करना, आपको दिख जाएगी, ठीक है। देन इसके ऊपर अपना माउस ले जाना एंड देन क्रेडेंशियल्स के ऊपर क्लिक कर देना। सो ये मैंने क्रेडेंशियल्स के ऊपर क्लिक कर दिया है। उसके बाद क्रिएट क्रेडेंशियल्स पर क्लिक करना है, देन एपीआई की पर क्लिक करना है। देन ऑटोमेटिकली आपकी एक एपीआई की जो है जनरेट हो जाएगी आप लोगों के लिए, जो आप यूज़ करेंगे, मेरी अलग होगी, आपकी अलग होगी, ठीक है। सो यार ये मैंने कॉपी कर लिया इसे, एंड इसे जो है हम नोटपैड में पेस्ट करके रख लेंगे, हमें आगे काम में आना है इसका। तो ये मैंने क्लोज कर दिया है, ये हमारा काम डन हो चुका है। अगेन जो है हम बैक जाएंगे, चेक में प्रोसेस पर क्लिक करेंगे, टास्क वन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब टास्क टू की ओर चलते, तो इस वाले पार्ट को हम कॉपी कर लेंगे एंड इसको जो है आप नोटपैड में पेस्ट कर देना कमांड को। उसके बाद जो है आपको इसको कनेक्ट कर लेना है, मतलब कॉपी कर लेना है एंड इसको जो है इसकी जगह पे पेस्ट कर देना। एंड बस अब ये पूरी कमांड को कट कर लेना एंड इधर आना वापस से, देन अपने क्लाउड शेल को एक्टिवेट कर लेना। ये मैंने क्लिक करके एक्टिवेट कर दिया। साइज़ मैं इंक्रीज कर देता हूँ इसकी, देन कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। देन मैं गॉट इट पे क्लिक करूंगा, देन मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा, एंटर दबा दूंगा। सो ये हमारा काम हो चुका है। अगेन बैक जाऊंगा, नीचे स्क्रॉल करूंगा, क्लाउड स्टोरेज में जाना है, एक बकेट क्रिएट करना है। रीजन जो है वो हमारा यूएसई रहेगा एंड फाइन ग्रेन्ड रहेगा, ठीक है। सो यहाँ से अपने क्विक स्लैब की प्रोजेक्ट आईडी को कॉपी कर लेना। ये मैंने कर लिया है कॉपी। बैक आऊंगा, इसको जो है मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। तीन लाइनों पे क्लिक करना, देन इधर जाके कंप्यूट इंजन पे क्लिक कर देना। आपका वीएन, सॉरी, हमें बकेट के अंदर जाना है, तो हमें क्लाउड स्टोरेज के अंदर जाना पड़ेगा। तो ये मैंने क्लाउड स्टोरेज पे मैंने क्लिक कर दिया, बकेट का ऑप्शन इसके अंदर ही हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे लोड हो जाने दो, ये हो गया है लोड। क्रिएट पे मैं क्लिक कर दूंगा, ऐसा है तो क्रॉस पे क्लिक कर देना। बकेट के नेम की जगह पे इसको जो है पेस्ट कर देना, हमने जो कॉपी करा था क्विक सेलेक्ट प्रोजेक्ट आईडी। कंटिन्यू पे क्लिक करना, ये मल्टी रीजन ही रहना चाहिए, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, इसको जो है ऐसा कैसे रहने देना, एंड नीचे स्क्रॉल करना, कंटिन्यू पे क्लिक करना, देन इधर जो है इसको फाइन ग्रेड को सिलेक्ट कर लेना एंड इन्फोर्स प्रिवेंशन को हटा देना, ठीक है। ये मैंने कर दिया, कंटिन्यू पे क्लिक करके क्रिएट पे हम क्लिक कर देंगे। सो ये हमने अपनी बकेट क्रिएट कर ली है, देखो क्रिएटेड बकेट लिखा आ चुका है। बैक आना, नीचे स्क्रॉल करना, ठीक है। एंड अब जो है हमें डोनट डॉट पीएनजी को हमें उधर इंपोर्ट करना है। कैसे करेंगे, तो इस वाली फाइल को आप सेव कर लो अपने कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। अपने जहाँ पे भी आपको उसको पेस्ट करना है, मैं इसको डाउनलोड में सेव करके, किस नाम से सेव करना है वो भी इनने आपको दे के रखा है। तो मैं जो है इसे एक सेकंड का, इसको ऐसे मत करो, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, तो आपको बार बार चेंज करने की दिक्कत नहीं आएगी। तो यहीं से कॉपी कर लो इस नेम को, ठीक है। ये मैंने कॉपी कर लिया है नेम को, डोनट डॉट पीएनजी, एंड इसको मैं सेवेज इमेज पे क्लिक कर देता हूँ, देन डाउनलोड पे जाता हूँ एंड इसके नाम को जो है अपने सिस्टम में सेव कर लेता हूँ। ये मैंने सेव कर लिया है एंड या हमारा काम हो चुका है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब इसे हमें अपलोड करना है डोनट डॉट पी एन जी को। तो अगेन बैक आना, अपलोड फाइल पे क्लिक करना, ठीक है। इसके बाद जो है डाउनलोड्स पे क्लिक करना, देन आपको ये फाइल दिख रही है, इसको मतलब सिलेक्ट करना, ओपन पे क्लिक कर देना। अपलोड स्टार्टेड लिखा आ चुका है, जब तक अपलोड हो रही है तब तक वेट करो। तो ये अपलोड हो चुकी है, देखो इधर फाइल आ चुकी है। मैं इधर क्रॉस पे क्लिक कर देता हूँ। अब इन तीन डॉट्स पे क्लिक करना, देन उसके बाद जो है आपको शायद एडिट एक्सिस पे क्लिक करना है, एंड उसके बाद जो है आपको ऐड एंट्री पे क्लिक करना है। नेम जो है आप कुछ भी रहने, तो ये सब देने की ज़रूरत नहीं, इसे यही रहने देना। ये जो है यूजर ही रहेगा एंड सॉरी पब्लिक रहेगा ये, एंड इधर ऑल यूज़र रहेगा और ये रीडर रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा काम डन हो चुका है, सेव पे क्लिक कर देना। सो ऐसा देखो इधर दोनों चेंज हो जाएंगे एंड यह आपका काम हो चुका है डन। अभी वाला नीचे स्क्रॉल करना और नीचे स्क्रॉल करना, ये सब हमने कर लिया है। चेक में प्रोसेस पर क्लिक करेंगे, टास्क जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा।
टास्क 3 की ओर चलते हैं अगेन हम। अब हमें जो है एडिटर को ओपन करना है एंड रिक्वेस्ट डॉट जेएसओन को एडिट करना है। तो यार सिंपल सी चीज़ है, आपको क्या करना है इस वाली फाइल को ओपन करना है। तो हम ऐसा करने से अच्छा है एक नॉर्मल तरीका है कि यार इसको मैं लॉन्ग करता हूँ एंड इधर एन ए एन ओ लिखना एंड इसको पेस्ट कर देना, एंटर दबा देना, या कि फाइल क्रिएट हो गई। अब आपको क्या करना है, बैक आना है, नीचे स्क्रॉल करना है, इस पूरे कोड को कॉपी कर लेना है, इधर आना नोटपैड में पेस्ट करना। इधर से जो है मैं प्रोजेक्ट आईडी को कॉपी कर लेता हूँ, प्रोजेक्ट आईडी को मैंने कॉपी कर लिया है, साइज़ में इंक्रीज़ कर देता हूँ इसका भी, एंड ये माय बकेट नेम की जगह पे जो है आपको इसे रिप्लेस करना है, ठीक है, प्रोजेक्ट आईडी को। तो ये मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया, देन अगेन मैं इतने पूरे पार्ट को कॉपी कर लूँगा, ये मैंने कर लिया है कट। अगेन जो है मैं बैक आऊँगा, इसको मैं पेस्ट करूँगा, कंट्रोल एक्स वाई एंटर, ठीक है। सो ये हमारा काम हो चुका है। अगेन मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा, इस वाली कमांड को कॉपी करूँगा, इधर आऊँगा, पेस्ट करूँगा, एंटर दबाऊँगा, तो ये हमारा काम जो है डन हो चुका है। अगेन हम बैक जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो टास्क 4 जो है ये हमारा कंप्लीट, टास्क 5th की ओर चलते हैं। सो अब हमें क्या करना है, अंडर फीचर्स लिस्ट चेंज टाइप फ्रॉम लेबल डिटेक्शन टू वेब डिटेक्शन। सो हमें अब जो है टाइप को चेंज करना है लेबल डिटेक्शन टू वेब डिटेक्शन किसके अंदर। सो रिक्वेस्ट डॉट जेएसओन को हमें वापस से ओपन करना पड़ेगा, तो ये मैंने कॉपी करा इसको अगेन, देन इधर अगेन मैंने नैनो लिखा एंड इसको पेस्ट करा, एंटर दबाया, ठीक है। अब हमें जो है लेबल डिटेक्शन को चेंज करना है, तो नीचे लेके आना टाइप के पास एंड ये जो डबल कर्ली ब्रेसेस लगे उससे पहले से रिमूव करना, स्टार्ट करना, ठीक है। सो ये मैंने कर दिया है। अब आपको क्या करना है, बस इधर छोटा सा चेंज करना है, तो ये वेब डिटेक्शन को मैंने कॉपी कर लिया, फुल स्टॉप कॉपी मत करना, एरर आ जाएगी। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वाई एंटर, एंड ये हमारा काम जो है ये भी डन हो गया है। अगेन बैक आना, नीचे स्क्रॉल करना, इस वाले पार्ट को कॉपी कर लेना एंड इधर आके जो है इसको पेस्ट करना, एंटर दबा देना, ये हमारा काम हो चुका है डन। नीचे स्क्रॉल कर देना, ऐसा पूरा आउटपुट आ जाएगा, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब हमारा काम हो चुका है, ठीक है। सो ये सब हमारा काम डन, 6th वाले पे चलते हैं। तो अब हमें इस फाइल को कॉपी करना है, तो ये मैंने एक सेकेंड यहीं से सबसे पहले सेल्फी डॉट पीएनजी को मैंने कॉपी कर लिया, फुल स्टॉप कॉपी मत करना गाइस, सेव इमेज एस पे क्लिक करना एंड इसको यहाँ पे पेस्ट करना, सेव पे क्लिक कर देना। सो ये हमारा काम हो चुका है। अगेन जो है मैं बैक आऊँगा, बैक आने के बाद जो इसे नीचे स्क्रॉल कर दूंगा, ठीक है, ये मैंने नीचे स्क्रॉल कर दिया है, इधर जाके मैं अपलोड फाइल पे क्लिक कर दूंगा, देन अगेन मैं जो है ये वाले पार्ट को क्लिक करूंगा, ओपन पे क्लिक कर दूंगा। सो ये हमारी पीएनजी ओपन हो चुकी है, 2 मिनट रुकना, इधर अपलोड हो जाएगी, 1 सक्सेसफुल अपडेटेड। सो अगेन हम सेल्फी वाले के 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, देन एडिट एक्सिस पे क्लिक करेंगे, देन ऐड एंट्री पे क्लिक करेंगे, देन इधर आके पब्लिक पे आपको क्लिक कर देना है एंड सेफ पे अगेन आपको क्लिक कर देना है। तो ये आपका काम जो है डन, नीचे स्क्रॉल कर देना, ठीक है, एंड चेक माय प्रोसेस पे क्लिक कर देना यार। सो ये हमारा काम जो है ये भी डन हो चुका है। अब जो है हमें याली पार्ट को करना है, तो ये मैं एक बार चेकआउट कर लेता हूँ, शायद हमें पता ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं, हमें सिर्फ इमेज को इम्पोर्ट करना है। सो अगेन हम सेव इमेज पे क्लिक करेंगे, एक सेकेंड गाइस, अगेन हम सेव इमेज पे क्लिक करने से पहले ct.png को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड अब मैं सेव इमेज पे मैं क्लिक कर देता हूँ एंड बस इसको मैंने पेस्ट कर दिया, सेव पे क्लिक कर दिया, ये हमारा काम डन हो चुका है। अगेन मैं बैक आऊँगा, इधर से अपलोड फाइल पे मैं क्लिक करूँगा एंड अगेन जो है हमारी सिटी वाली इमेज को मैं ओपन कर लूँगा, ये मैंने ओपन कर लिया एंड ये हमने जो है अपनी ct.png को भी हमने ओपन कर लिया है, इसके अंदर 2 मिनट में अपलोड हो जाएगी ये भी। सो वेट करो इसके अपलोड होने का, अपलोड स्टार्टेड लिखा आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो अपलोडेड। अब आपको क्या करना है, ये जो ct.png इसमें भी सेम चीज़ करनी है, एडिट एक्सेस पे क्लिक करना है, ठीक है, देन ऐड एंट्री पे क्लिक करना है, देन इस पे क्लिक करके पब्लिक पे क्लिक करना है एंड सेव पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका काम डन हो चुका है, ठीक है, देन नीचे स्क्रॉल कर लेना एंड या चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक कर देना, टास्क जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के, ठीक है, नीचे स्क्रॉल कर देना, और कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, एंड लैप पे क्लिक कर देना। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।